कलश ही नहीं तो सिंदूर भी नहीं। जल्दी कर और कृष्ण के नाम का ये सिंदूर मिटा दे। जल्दी ये पकड़ और मिटा दे हमारी मांग का सिंदूर। कृष्ण पहुंचा पायल से मिलने के लिए हॉस्पिटल। कलश चैनल पर आ रहे सीरियल सुहागन के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट। दरअसल सीरियल में आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से कृष्ण को पता लगता है कि पायल का हो चुका है एक्सीडेंट। पायल का एक्सीडेंट हो चुका है और कृष्ण बेकाबू हो जाता है और फटाफट से पहुंचता है पायल तक। यहाँ पर पीछा करती है बिंदिया कृष्णा जी का कि हुआ क्या है, ये कहाँ जा रहे हैं, इनकी तो तबीयत भी सही नहीं है। ये बात पायल को पता लग जाती है तो वो इस बात का फायदा तुरंत उठा लेगी। बिल्कुल, सब कुछ हो जाने के बाद पायल वापस आने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगी। विक्रम, ट्रैक रिकॉर्ड नाम की भी कोई चीज होती है, देख लेना। हमेशा की तरह उन तीनों का हमारे घर में आगमन होगा ही होगा। आखिर लव ट्रायंगल जो है। Well, I don't think so. तीनों वापस आएंगे। अच्छा, लगी 10-10 हजार की शर्त। इतना कॉन्फिडेंस। आप सबको क्या लगता है कि वो चलाक लोमड़ी, वो पायल घर पे वापस आएगी या नहीं? दूसरी ओर हम देखते हैं कि कृष्ण पहुंचता है पायल के पास हॉस्पिटल और जब वो पायल को घायल देखता है तो यहाँ पर पायल से कहता है कि चलो ये ड्रामा बंद करो क्योंकि अब हम और ड्रामे पर तुम्हारे यकीन नहीं करने वाले हैं। और यहाँ पर जब डॉक्टर्स भी होते हैं और ये सारी बातें सुनते हैं तो वो कहते हैं आप लोग को ये ड्रामा लग रहा है, ये जो है अभी भी खतरे में है, ये आपको चोट दिख रही है, ये सारी ताजी चोट है, ये देखिए उनके माथे पर भी चोट लगी हुई है, अभी भी खून है। और यहाँ पर जो है फिर कृष को यकीन होता है कि पायल तो सच में उसका एक्सीडेंट हो चुका है। दूसरी ओर तभी जो है बिंदिया भी पहुंच जाती है। बिंदिया घबरा जाती है कि हमारी पल्लू को हुआ क्या है और ऐसे में पता चलता है डॉक्टर्स कहते हैं कि पायल की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। जिसके बाद जो है बिंदिया कहती है कि चलो मैं इसका ध्यान रखूंगी, कृष्णा जी आप चले जाइए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर कृष्णा कहता है कि नहीं, अगर उसे कुछ हो गया तो इसका इल्जाम भी मुझ पर ही लगा देगी, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब ऐसे में आने वाले एपिसोड में जब पायल को होश आएगा तो पायल कृष्ण को कहेगी कि मुझे माफ कर दो और मुझे अपने साथ घर ले चलो। आखिरकार क्या होगा कृष्ण का बड़ा डिसीजन, ये देखना होगा इंटरेस्टिंग। कमेंट सेक्शन में आप बताइए अपनी राय और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।